बहरोड विधायक बलजीत यादव ने राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के लिए 6 फरवरी सोमवार को जयपुर के सेंट्रल पार्क में सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना रुके दौड़े लगाने का निर्णय लिया। तो कांस्टेबल चाहिए होता बलिष्ठ कि भाई ये दौड़ सकता है, ये लॉन्ग जंप हाई जंप ये सब देखा जाता था कांस्टेबल में, ताकि क्रिमिनल को कंट्रोल करेगा, उसको पकड़ पाएगा। बलिष्ठ को चुना जाता था, अभी उसको पेपर पकड़ा दिया जाता आईएएस के जैसा, तो किसान मजदूर का बच्चा है वो उसमें फेल हो जाता है। ऐसे ही सेना में भर्ती होते थे गांव के बच्चे जो दौड़ करते थे, एक्सरसाइज करते थे, अच्छा शरीर होता था, तब सेना में भी उस पर रोक लग गई कि 4 साल के लिए लेंगे, उसमें 1.5 साल ट्रेनिंग होगी, मात्र 2.5 साल नौकरी कर पाएगा, फिर रिटायरमेंट में चले जाओ। अब 12th क्लास का बच्चा 2.5 साल की नौकरी करके रिटायर हो जाएगा तो क्या खाएगा वो, और उसके लिए भी पेपर देंगे वही टफ। इसलिए मैंने इन सब चीजों के विरोध में अभी 6 तारीख को जयपुर के सेंट्रल पार्क में सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक बिना रुके दौड़ लगाने का संकल्प लिया है। मैं आशा रखता हूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसी सेशन में बजट सत्र में इन समस्याओं का समाधान करेंगी, और ये गरीब मजदूर किसान बेरोजगार की पीड़ा है, जिस पीड़ा को मैं सुबह से शाम तक बिना रुके दौड़ के व्यक्त करने वाला हूं।